हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। बढ़िया है आप लोग? चलिए आइए, आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम लोग पहले बात करेंगे प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में। प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है? यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वह 9 महीने में होता है। कभी कभी बच्चे का विकास 280 दिन में भी होता है, कभी कभी 300 दिन में भी होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भाधान के ही समय से चालू हो जाता है। जो गर्भाधान में विकास होता है वही विकास हमारा क्या कहलाता है? प्रसव पूर्व अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है? शैशवावस्था जो होता है 0 से लेकर के 5 साल तक चलता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं पूर्णतः माता पिता के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। उनका जो व्यवहार होता है व्यवहार पर आधारित होते हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, जिज्ञासा इनकी ज्यादा होती है और इनमें आत्मप्रेम की भावना अधिक पाई जाती है शैशवावस्था में। इनको हम लोग खिलौनों की आयु भी कहते हैं क्योंकि ये खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं और इनमें करने की क्षमता अधिक होती है। ये कोई भी बड़े लोगों को देख करके, अपने माँ बाप को देख करके जैसा वो काम करते हैं वैसे ही बच्चे उनको देख करके अनुकरण करते हैं, वैसे ही कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, ये कोई चीजें सोच नहीं पाते हैं, इनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती है। फिर 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है, इसमें कामुकता होती, कामुकता इनमें मिलती है। मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष में। तो छोटे बच्चे होते हैं, मानसिक विकास उनका बहुत तेजी से विकसित होता है, कोई भी चीजें तुरंत वो कैप्चर कर लेते हैं, तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। सही समस्या अवस्था होती है, प्री ग्रैंड एज होती है, छोटे छोटे बच्चों का क्या होता है, समूह होता है। बाल्यावस्था की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। बाल्यावस्था क्या होता है? 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें तार्किक चिंतन करने की अवस्था होती है, ये आरंभिक स्कूल की एज कहलाती है। इस उम्र में बच्चे स्कूल जाना चालू कर देते हैं, जो है एक गंदी अवस्था होती है। इस उम्र में बच्चे गंदे काम भी करने लगते हैं। स्फूर्ति की अवस्था होती है, इनमें बच्चों में फूर्ति अधिक होती है, दौड़ भाग करने की क्षमता अधिक होती है। स्मार्ट एज, बच्चे स्मार्ट होते हैं, हर काम को बहुत ही स्मार्ट ढंग से करते हैं। स्टोरेज कलेक्शन की उम्र होती है, इनमें कोई चीजें ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। एक टोली समूह की अवस्था होती है, इनमें टोली पे रहना पसंद करते हैं। 2-4-5 बच्चों का, लड़के लड़कियों का समूह होता है, लड़की लड़कियों का समूह होता है। गैंग एज होती है, गैंग एज भी कहलाता है, इनका एक ग्रुप होता है और ये अनोखा काल भी कहलाता है। जैसे सीटेट में पूछ लेता है कि अनोखा काल बाल्यावस्था कौन सी काल है, अनोखा काल, अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था क्या होती है? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। ये क्या होता है? सबसे कठिन काल होता है। किलपैटिंग महोदय ने बताया कि ये सबसे कठिन काल होता है। उसके बाद स्टैनले हाल ने बताया कि संघर्ष होती है, तनाव होता है, इसमें तूफान की अवस्था होती है, इसमें बच्चों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही इसमें मेंटल की शिकायत होती है, मतलब तनाव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चे इसमें तनाव में आ जाते हैं। जैसे माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया कि बेटा ये ना करो, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। जब अधिक डांट पड़ती है तो लोग क्या होते हैं, तनाव में आ जाते हैं। आंधी की अवस्था होती है ये 12 से 18 वर्ष। इसमें प्रेम मोहब्बत होने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि अपनी आंधी तूफान वाली अवस्था होती है। विषम लिंगी होती है, मतलब ये विषम लिंगी में ये लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की पे क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। विषम लिंगी अवस्था होती, गोल्डन एज कहलाती, सुनहरी अवस्था कहलाती है, इसको वीर पूजा की भी अवस्था कहते हैं। उसके बाद अमूर चिंतन की अवस्था भी होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, बाल विकास की अवस्थाएं। फिर से देख लीजिए, प्रसव पूर्व अवस्था 9 महीने की होती है, शैशवावस्था 0 से 5 साल की होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 साल की होती है, किशोरावस्था 12 से 18 साल की होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकलन। आकलन, आकलन में हम लोग बात करेंगे असेसमेंट। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? किसी वस्तु के विषय में जानकारी इकट्ठा कर लेना ही हमारा क्या होता है? आकलन होता है। जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे के विषय में जानकारी इकट्ठा करना ही क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसकी पूरी जानकारियां कलेक्ट करना ही हमारा क्या होता है? असेसमेंट होता है, जिसको हम लोग आकलन कर आकलन कहते हैं। ये टीएलपी होता है। टीएलपी क्या होता है? टीचर लर्निंग प्रोसेस होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह दो प्रकार का होता है, पहला रचनात्मक होता है, दूसरा योगात्मक होता है। हम पहले बात करेंगे रचनात्मक क्या होता है। रचनात्मक क्या होता है? इसमें बच्चा जब पढ़ता है, पढ़ने के दौरान बच्चे के बारे में किया गया आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन कहलाता है। योगात्मक की बात करेंगे। योगात्मक क्या होता है? जब बच्चा साल भर पढ़ लेता है या 6 महीना पढ़ लेता है, तो 6 महीना में जो आकलन किया जाता है वो योगात्मक आकलन होता है। जैसे हाफ ईयरली की एग्जाम करवाई जाती है, वो क्या होता है? योगात्मक आकलन। उसमें यह देखा जाता है कि बच्चे ने 6 महीना में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उसने गेन किया, वो क्या होता है? योगात्मक आकलन के थ्रू होता है। उसके बाद साल ईयरली एग्जाम होता है, उसमें भी साल भर का चेक किया जाता है कि बच्चे ने क्या क्या पढ़ा, क्या कितना नंबर किस सब्जेक्ट में पाया, कितना टोटल आया, वो क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आकलन के बारे में सीखने का आकलन। सीखने का आकलन क्या होता है? सीखने का आकलन एक ऐसा आकलन है जिसमें जब कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उस समय होती है, तब उस समय पहले भी होती है या उसके बाद भी होती है, वो क्या होता है? हमारा सीखने का आकलन। मतलब कोई टीचर है और बच्चे को पढ़ा रहा है, और पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद या खत्म होने के बाद जो भी आकलन किया जाता है वो हमारा क्या होता है? सीखने का आकलन होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे सीखने का आकलन। सीखने का आकलन क्या होता है? सीखने के आकलन में हम लोग ये बताते हैं कि जब कोई टीचर पढ़ाता है, तो बच्चे को पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने के खत्म होने के बाद जो भी आकलन किया जाता है वो सीखने का आकलन कहलाता है। मतलब ये देखा जाता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, कितना पढ़ा है। कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद उसमें बच्चे से पूछते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, तो वो क्या होता है? सीखने का आकलन होता है। फिर सीखने के लिए आकलन ये भी क्या होते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या पहले होती, मतलब पहले ही बच्चा क्लास लेने के पहले ही बच्चे से आकर टीचर पूछ लेता है, तब क्या होता है? तब वो जो आकलन होता है वो क्या होता है? सीखने के लिए आकलन। जैसे कोई टीचर किसी भी बच्चों, थोड़ा सा फोन आ रहा था तो फोन मैंने कट कर दिया जो है, उसके लिए थोड़ा सा माफ कर देना। हम लोग बात कर रहे थे सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन मैंने बताया टीएलपी के दौरान, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या पहले जो किया गया आकलन होता है वो सीखने के लिए आकलन होता है। जैसे कोई बावर्ची होता है, खाना बनाता है, तो खाना बनाने के दौरान जो उसका किया गया आकलन होता है वही क्या होता है? सीखने के लिए आकलन। अगर उसने खाना कितना अच्छा बनाया उस समय, या उससे पहले या उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि बावर्ची ने कितना अधिक अच्छा सब्जी बनाया, कितनी अच्छी दाल बनाई, या बावर्ची द्वारा बनाया हुआ आकलन, बावर्ची द्वारा बनाया हुआ भोजन
के विषय में जांच पड़ताल करना ही क्या होता है, सीखने के लिए आकलन कहलाता है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, जैसे कोई अध्यापक किसी से, किसी स्टूडेंट से पढ़ा करके तुरंत पूछ लेना और स्टूडेंट तुरंत उसका उत्तर दे दे, वो क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा। या कोई दोस्त होता है और आपसे कोई तुरंत पूछ ले और तुरंत वो क्या हो जाए, स्टूडेंट तुरंत दूसरा फ्रेंड उसका उत्तर दे दे, तो क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कल हम लोग इवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे, मूल्यांकन, फिर मूल्यांकन पढ़ेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसी तरह नई नई वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है मित्रों, गुड नाइट।